हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12th का, तो आज आपके सामने उसका सेकंड लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ। पहला सवाल तो ये, सर फैराडेज लॉ क्या बताता है हमें, है ना? तो जरा एक बार पिछला लेक्चर थोड़ा सा देखते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक हमने सेल कंसिडर किया था, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हमने डाली थी, ठीक है, और इसमें हमने कुछ एक लिक्विड सॉल्यूशन डाला था जो था शायद मोल्टन NaCl था, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया था। फिर पॉजिटिव नेगेटिव से बैटरी से कनेक्ट किया था, और हमने ये देखा था ये कैथोड था नेगेटिव और ये एनोड था पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद कैथोड पर हमने एक रिएक्शन देखा था, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, एंड एनोड पर हमने एक रिएक्शन देखा था Cl नेगेटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cl2। तो सीधी सीधी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कैथोड पर हमें सोडियम मेटल मिला था, है ना, और एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिली थी, इसे गैस लिख सकते हो आप। अभी मिला तो ठीक है, हमारा सवाल ये सर सोडियम कितना मिला, सोडियम मेटल कितना मिला या क्लोरीन गैस कितनी मिली। तो यहां पर मैं आपसे अमाउंट पूछ रहा हूं, क्वांटिटी पूछ रहा हूं। तो इसी क्वांटिटी को बताने के लिए हम लोग पढ़ते हैं फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ क्या बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस जमा हुआ, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ, कितना क्लोरीन लिबरेट हुआ, तो ये सब कौन बताता है, फैराडेज लॉ। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फैराडेज लॉ क्वांटिटी को बताता है कि कितना सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ। तो सर पहला पॉइंट इसके बारे में क्या बन सकता है कि फैराडेज लॉ जो है इट इज अ क्वांटिटेटिव लॉ, ये क्वांटिटेटिव लॉ है। क्वांटिटेटिव लॉ लीजिए, क्वांटिटेटिव लॉ, फैराडेज लॉ इज अ क्वांटिटेटिव लॉ, ये क्वांटिटी बताता है। अब हमारे पास फैराडेज के दो लॉ आते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक। फैराडेज के दो लॉ हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, हमें इस दोनों लॉ को जानना है, इंपॉर्टेंट लॉ है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या कहता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, ये लॉ क्या कहता है, उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, फैराडेज लॉ यह कहता है कि इलेक्ट्रोड्स पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो सर अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ कितना सब्सटेंस जमा होगा, तो पहले एक छोटा सा इसका रिलेशन लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, या फिर आप लिबरेटेड भी लिख सकते हो, एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब वो इलेक्ट्रोलाइट जो है एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है या फिर मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है, सॉल्यूशन और मोल्टन। तो क्या कह रहा है, आप इलेक्ट्रोलाइट में से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। आइए एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, केवल सिंपल सा बना रहा हूं मैं। ये बैटरी लगाई, ये माइनस है, ये प्लस है, हमने देखा कि यहां कैथोड डिपॉजिट, कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हुआ,
तो सर सोडियम कितना ज्यादा डिपॉजिट होगा, कैथोड की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। तो इसने क्या कहा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं कैथोड की, तो कैथोड पे कितना सब्सटेंस जमा होगा, जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन के थ्रू पास करोगे उतना ही ज्यादा आपका सोडियम कैथोड पर डिपॉजिट होगा। एंड द सेम केस गोज विद क्लोरीन, जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इस सॉल्यूशन से, जो यहां पर हमने मॉल्टन NaCl लिया था, आप जितना ज्यादा इसमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे उतना ही ज्यादा क्लोरीन गैस लिबरेट होगा। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। आइए इसका मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं। इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड भी आप कर सकते हो, और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ये फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट में से उतना ही ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, किसी भी इलेक्ट्रोड की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसका थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं सर, वो कैसा होगा। आइए जैसा कि हमने अभी बताया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, तो अब एक काम करते हैं, यहां पर अमाउंट को दिखाने के लिए अमाउंट को दिखाने के लिए मैं ले रहा हूं डब्ल्यू, वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट, ठीक है। और क्यू मैं ले रहा हूं चार्ज, क्यू मैं ले रहा हूं चार्ज, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जितना ज्यादा आप चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर। तो आओ जरा इसको लिखते हैं। अमाउंट को दिखाने के लिए मैंने क्या लिया, डब्ल्यू, वेट, ठीक है भाई, अमाउंट को हम वेट से ही दिखाते हैं, ठीक। चलिए वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। लीजिए ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म बन जाता है, वेट और मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। हम जानते हैं जब ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, यहां पर इस फॉर्मूले का जो कांस्टेंट है दैट इज जेड क्यू। सो व्हाट इज जेड, जेड की भी अभी हम बात करते हैं। अच्छा हम सर जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं ऐसा कि सर चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। तो यहां से फॉर्मूला बन गया जेड आई टी, क्या फॉर्मूला बन गया जेड आई टी, किसका, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। नाउ सर अब इस टर्म को जान लेते हैं, जेड क्या है, आई क्या है, टी क्या है। व्हाट इज आई, करंट पास्ड, आपने कितना करंट पास किया थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, आपने कितनी देर के लिए करंट पास किया, टी क्या है, टाइम आपने कितनी देर के लिए करंट को पास किया थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। एंड व्हाट इज जेड, नाउ जेड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जेड क्या है सर, जेड का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड का क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आई जेड और टी, व्हाट इज आई, करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज टी, टाइम फॉर विच करंट पास, एंड व्हाट इज जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नाउ सर
बोर्ड एग्जाम में, देखिए मैं आपसे पहले कह दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी आपको लेक्चर मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो आपके टोटली 12th बोर्ड से रिलेटेड होंगे, ठीक है। हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे जो 12th बोर्ड में आता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, हमारे चैनल पे आपको 12th बोर्ड का पूरा सिलेबस मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है। आइए, तो सर जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आगे देखते हैं। अब सर बोर्ड में एक मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन टपक सकता है या पूछा जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, डिफाइन जेड, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। क्या पूछा जा सकता है सर, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अब सर डिफाइन करेंगे, मैंने पूरा नहीं लिखा है, डिफाइन जेड लिखा है सर। आइए, हम जानते हैं, वी नो दैट W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, हम जानते हैं इस बात को, है ना। देखो बेटा, क्योंकि बोर्ड में हमें पूरा स्टेटमेंट लिखना होता है, हम देखिए अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कर रहे हैं, हम के फिलहाल आपको बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको पूरा स्टेटमेंट लिखा करके पढ़ाएंगे, क्योंकि बोर्ड में किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप CBSE बोर्ड के एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लगा सकते, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा सकते हैं, लेकिन हम बोर्ड एग्जाम में नहीं लगा सकते, वहाँ हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अच्छा इफ, अच्छा पहले मैं Z मुझे निकालना है, तो Z क्या बनेगा बेटा, W अपॉन आई इंटू टी। अगर करंट को मैं 1 एम्पेयर ले लूँ, टाइम को मैं 1 सेकंड ले लूँ, ठीक है, देन तब क्या होगा, Z बराबर W, चेक करो ना, ये भी 1, तो Z इज इक्वल टू Q, ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब नहीं समझ आता, क्या है ये, इसका मतलब नहीं समझ आता सर, ये व्हाट, इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब है, एक एम्पेयर का करंट एक सेकंड के लिए पास करा, एक एम्पेयर का करंट एक सेकंड के लिए पास कराया गया थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, कहां से, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। तो इस बात का मतलब ध्यान रखना, एक एम्पेयर का करंट एक सेकंड के लिए पास कराया, ठीक है, कहां से, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। चलिए आगे देखो, जेड इज इक्वल टू क्यू, जेड इज इक्वल टू क्यू, हमने देखा कि जब एक एम्पेयर का करंट एक सेकंड के लिए पास करेंगे तब जेड क्यू के बराबर आ जाएगा, सॉरी जेड डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब सर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसा होगा, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड when current of 1 ampere is passed through the electrolyte for one second, जब आप एक सेकंड के लिए एक एम्पियर का करंट इलेक्ट्रोलाइट में से पास करोगे, उस समय इलेक्ट्रोड पर जितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वही उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है, सर नहीं समझ आया, फिर सुन लो, मान लेते हैं, एक एग्जांपल कर लो, लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं कि एक एम्पियर का करंट मैंने एक सेकंड के लिए पास किया, मेरे पास 0.002 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हुआ एट कैथोड, ठीक है, मैंने एक एम्पियर का करंट एक सेकंड के लिए पास किया, मेरे पास 0.002 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हुआ एट कैथोड, ठीक है। तो सर मैंने क्या कहा, एक एम्पियर का करंट
एक सेकंड के लिए पास किया किसी एक सब्सटेंस के लिए, तो जितना भी सब्सटेंस, जितना भी मास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वही कहलाएगा इस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सोडियम का क्या हो गया, 0.002 ग्राम। बात को समझो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया गया है। ध्यान से समझो बात को, फिर सुन लो। एक एम्पियर का करंट एक सेकंड के लिए पास किया गया, तब क्या हुआ, कोई एक सब्सटेंस कैथोड पे डिपॉजिट हुआ। कितना डिपॉजिट हुआ, इतना। अब जब एक एम्पियर का करंट एक सेकंड के लिए पास करते हैं, जितना भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे जमा होता है, चिपकता है, वही कहलाता है उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो चेक कर लो, वेट इज इक्वल टू जेड, वेट इज इक्वल टू जेड ऑफ सोडियम। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन। एग्जाम में अगर आता है तो आपको इस प्रकार से इसको डिफाइन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं बेटा, कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को मैं आपको एक तरीके से और डिफाइन कराता हूं। आपको कोई एक तरीका ही ध्यान रखना है, आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है देखो किसी बुक में आपको ये तरीका मिले, किसी बुक में दूसरा तरीका मिले, तो मैं आपको दोनों सिखा दूंगा, जिससे कि कभी आपको दूसरा तरीका मिले तो माइंड में कंफ्यूजन ना बने, ठीक है। आइए, अब वो दूसरा तरीका कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही तरीका, बिल्कुल सेम है। बस जैसे यहां पर मैंने करंट इनटू टाइम लिया, वहां पर मैं करंट इनटू टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। वहां पर मैं सीधा सीधा चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, टाइप टू मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करने का एक तरीका और आपको कहीं भी बुक्स में मिल सकता है। मैं जानता हूं W इक्वल टू जेड क्यू होता है बाय फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे का पहला नियम तो यही कहता है, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा। अच्छा, अभी मैंने इसको नहीं खोलना, ठीक है, W अपॉन क्यू। पहले मैंने इसको खोल दिया था, लेकिन अभी मैंने इसको नहीं खोला है। अब देखिए, अगर मैं चार्ज लेता हूं, इफ चार्ज इज इक्वल टू वन कूलम, देन तब क्या होगा भैया, जेड इज इक्वल टू क्यू। देखो कंडीशन वही आ गई, घूम फिर के बात तो वही आ गई, लेकिन अब सिर्फ मैंने चार्ज को वन कूलम लिया है, मैंने करंट इनटू टाइम नहीं खोला, इसको खोला ही नहीं मैंने, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हो, इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन चार्ज ऑफ वन कूलम इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आपको किताबों में ऐसा भी मिल सकता है। तो देखिए फर्क कितना सा है, वहां पर करंट इनटू टाइम आ गया था, लेकिन यहां पर मैंने करंट इनटू टाइम किया ही नहीं, मैंने सीधा सीधा इसको खोल दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक छोटा सा टर्म आता है, जैसे, ठीक है, आइए, एक जो छोटा सा टर्म मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दुनिया जानती है यार, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, वन मोल इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, है ना, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन्स। चेक करो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आप सीधा सीधा एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालने के लिए इसे एक मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना।
भाई एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो एक मोल पे इतना होगा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो वैल्यू आपके पास आएगी 96487 कूलम, ये वैल्यू इसके आपके पास आएगी। हम इस वैल्यू को उतना नहीं लेते हैं, इस वैल्यू को हम लोग अप्रोक्सीमेट सिमिलर वैल्यू लेते हैं, इसके सिमिलर वैल्यू लेते हैं 96500, हम इस वैल्यू को लेते हैं, दोनों आसपास ही है। तो कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हमने ये वैल्यूज को लिया गया, ठीक है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, इतना चार्ज होता है 96500 कूलम, और इसी को अपन बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। तो फैराडेज कांस्टेंट ये वैल्यू क्या होती है? 96500 कूलम पर मोल, मतलब कूलम पर मोल का मतलब है एक मोल चार्ज पर, एक मोल चार्ज पर इतना कूलम होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम चार्ज होता है, ठीक है। ये वैल्यू आती है बेटा फैराडेज कांस्टेंट की, इसे ऐसे भी लिखते हैं 1F इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम चार्ज है। लीजिए यूनिट को समझो, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल मीन्स एक मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम चार्ज है, ठीक है। आपको इस वैल्यू को लेना है, अच्छा एक मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम चार्ज है, उसे मैं लिखता हूं 1F, ठीक है। तो चार्ज ऑन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2F, भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज, उसे मैं लिखता हूं F, है ना। और F का वैल्यू क्या है? ये एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसे मैं लिखता हूं F, तो 2 मोल पे कितना होगा? 2F। चार्ज ऑन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 3F। और F का वैल्यू आप जानते हैं, ये होता है 96500, ठीक है। वैसे ही चार्ज ऑन 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 10F। सिंपल सी बात है। तो इस बात को ध्यान रखना फैराडेस कांस्टेंट की वैल्यू को, फैराडेस कांस्टेंट किसके बराबर होता है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए अब माइंड में थोड़ी सी क्लियरिटी आनी चाहिए, इसीलिए हम अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इजी चैप्टर है अगर ढंग से समझोगे तो, और अगर ढंग से नहीं समझोगे तो फिर ये आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग अलग हैं, हम नहीं पढ़े आज से पहले, है ना। तो प्रॉब्लम आ जाती है काफ़ी बार, क्योंकि बिल्कुल नए नए टर्म्स हम यहाँ पर सुनते हैं जो कि आज से पहले हमने कभी सुने नहीं हैं। चलिए अब छोटे मोटे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। मैं आपको रिडक्शन रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। आपको बताना है कि उन रिडक्शन रिएक्शन के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए, ठीक है। आइए पहला, 1 मोल ऑफ Al3+2Al, सेकेंड 1 मोल Cu2+2Cu एंड 1 मोल MnO4-2Mn2+, सॉरी। तो ये 3 कंडीशन मेरे को दी गई है, आपको बोला है बताइए इन तीनों केस में आपको चार्ज कितना चाहिए, और ये तीनों क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, ठीक है। रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, तो यहां पर रिडक्शन हो रही है, ध्यान देंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1 मोल Al3+ को Al में बदलना, आइए Al3+ को Al में बदलना है। जरा सोचिए Al3+ को जब आप Al में कन्वर्ट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको पड़ेगी, चेक करिए
तीन इलेक्ट्रॉन की, तभी तो वो एल में बदलेगा। अब चेक करो, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। किसकी हो रही है, एल थ्री प्लस की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, आइए देखो, मैं ऐसा कह सकता हूं कि तीन इलेक्ट्रॉन से मुझे एक एल्यूमिनियम मिल रहा है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि तीन मोल इलेक्ट्रॉन से मुझे एक मोल एल्यूमिनियम मिल रहा है। बात को समझो, तीन मोल इलेक्ट्रॉन से कितना मिल रहा है, एक मोल एल्यूमिनियम मिल रहा है। आपसे क्या बोला था, वन मोल एल थ्री प्लस को एल में बदलना है, वन मोल एल थ्री प्लस को एल में बदलना है। ये हमने रिएक्शन करवा के क्या देखा कि तीन मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तीन मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कब, जब मैं एक मोल एल थ्री प्लस को एल में बदलता हूं तो तीन मोल इलेक्ट्रॉन्स की मुझे रिक्वायरमेंट है ना। अच्छा, सो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बताएंगे जरा, तीन मोल इलेक्ट्रॉन। अब जरा याद करो, तीन मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है उस समय क्या लिख सकता हूं, 3F, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं 3F, और F की वैल्यू आप जानते हैं 3 × 96500 कूलम, बस इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली पार्ट टू करते हैं, वन मोल कॉपर टू प्लस को कॉपर में बदलना है। आइए, वन मोल कॉपर टू प्लस को चेंज करेंगे बेटा कॉपर में, तो चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता मुझे पड़ेगी, दो मोल इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। एक मोल कॉपर टू प्लस को बदला कॉपर में तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सर दो मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सर दो मोल इलेक्ट्रॉन पे हमें तो चार्ज निकालना है ना, चार्ज हमें तो कूलम्स निकालना है ना, चार्ज निकालना है इन कूलम्स। तो तीन सो दो मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, सो चार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड कितना है, 2F, क्योंकि दो मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसे बोलते हैं 2F। अभी आपको बताया है ना, और F का वैल्यू आप जानते हैं, तो क्या बन गया, 2 × 96500 कूलम, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब तीसरा वाला करते हैं सर, वन मोल MnO4- को Mn2+ में बदलना है। सर क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन सर दिक्कत तो यह है कि वन मोल MnO4- को अपने को बदलना है Mn2+ में। सर यहां तक तो पहले दो केस तो आसान थे, क्योंकि इसका मुझे चार्ज दिया गया था, इसका मुझे चार्ज दिया गया था तो मुझे देख के पता लग रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें भी चार्ज दिया था तो मुझे देख के पता लग रहा था कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन यहां तो चार्ज ही नहीं दिया सर, यहां Mn पे तो चार्ज नहीं है, क्योंकि Mn पे चार्ज नहीं है, तो चलिए मैं निकालता हूं। ठीक है, आइए, जिसका चार्ज निकालना है उसको एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स, जिसका चार्ज निकालना है। दो एलिमेंट के बीच में जो गैप होता है वहां प्लस लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, प्लस लिखते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, माइनस का 2 देखा होगा आपने, है ना, माइनस का 2 चार्ज होता है इसके ऊपर, परऑक्साइड में और सुपर ऑक्साइड में वहां अलग अलग होता है, लेकिन फिलहाल यहां पर ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है, माइनस का 2। ऑक्सीजन कितने हैं, चेक करो सर 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक करो बेटा पूरे के पूरे इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस का 1, ये तो चार्ज है। ठीक है सर, एक्स माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1, उधर लेके जाइए x बनेगा माइनस 1 प्लस का 8x आ गया 7। तो यहां पर सर Mn के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 7। तो रिएक्शन में आपके साथ दोबारा लिख देता हूं, MnO4- Mn2+, यहां चार्ज है Mn के ऊपर प्लस का 7। अभी देखो प्लस का 7 चार्ज डिक्रीज हुआ, प्लस का 2 सर रिडक्शन हुई है, क्योंकि जब चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन होती है। अब चेक करो, यहां प्लस का 7 चार्ज था, वहां प्लस का 2 है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे कि इसका, देखो आप ये समझो कितना चार्ज कम हुआ, 5 पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है ना, यहां 7 था यहां 2 है, मतलब 5 पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और जब 5 पॉजिटिव चार्ज कम हुआ इसका मतलब इसने 5 नेगेटिव चार्ज को गेन किया होगा, सोचने की बात है।
पांच नेगेटिव चार्ज को उसने गेन किया होगा। आइए आगे देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो एक मोल MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में बदलने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। सो क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज चाहिए भैया, 5 × F, और F की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 96500 कूलाम। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ तीन छोटे छोटे क्वेश्चन थे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्या है सर बाकी क्वेश्चंस? देखिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास, बिल्कुल ऐसा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी रिसेंटली हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसके पास एक स्कूल है, तो वहां पर अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं। तो ये तीन क्वेश्चन और जो दो क्वेश्चन मैं अभी आपको कराने वाला हूँ वो सारे उसमें आए हैं एग्जाम में, 12th क्लास का एग्जाम था, ऐसे यूनिट पीरियोडिक टेस्ट था स्कूल में, तो उसमें ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ पहला 2 moles ऑफ वाटर टू O2, सेकेंड 1 mole ऑफ FeO टू Fe2O3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि सर ये दोनों ऑक्सीडेशन हुई है, आपको इन दोनों ऑक्सीडेशन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालना है। तो बता रहा है ऑक्सीडेशन हुई है सर, क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आइए पहला, सर वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, आओ इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं। वाटर है, इसका रिएक्शन बनेगा H+, और ये इस प्रकार से टूटेगा। वाटर इसी प्रकार से टूटता है, आपने 11th क्लास में सीखा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आइए सर खेल करते हैं इसको बैलेंस करने का। तो देखो भाई, अच्छा आपको 1 mole वाटर बोला है ना, 2 mole वाटर बोला है, कितना बोला है, 2 mole वाटर। मैं पहले आपको 1 mole वाटर के लिए सिखाता हूं। ठीक है, आइए ये फिलहाल मैंने 1 mole वाटर लिया है, 2 mole भी ले लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलिए बैलेंस करने की सर बात आती है रिएक्शन को, वाटर ऐसे टूटा है, अब सर बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, है ना। वो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी लगा दिए 2। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 1, हो गया बैलेंस, हो गया रिएक्शन। चलिए आगे देखते, अच्छा अब सर बात आती है चार्ज बैलेंस करने की, चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर इक्वेशन में चार्ज आ रहा है तो आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया जाता है बेटी ये चीज। देखो यहाँ चार्ज क्या है, वाटर के ऊपर क्या चार्ज है, 0, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितना चार्ज है, 2+ का, 2+, है ना। तो यहाँ पर सर मुझे चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने 2 negative electron लगा दिए, 2 electron लगा दिए, तो 2+ 2- न्यूट्रलाइज हो गया, तो टोटल चार्ज यहाँ पर भी क्या हो गया, 0, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ अब चेक करो, 1 mole वाटर को O2 में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 2 mole इलेक्ट्रॉन्स, कितने, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 mole ऑफ वाटर टू O2, 1 mole ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या क्वांटिटी ऑफ चार्ज कोई भी ले सकते हो, चार्ज रिक्वायर्ड। भैया मैंने रिएक्शन लिखा ना, रिएक्शन लिखने से क्या दिख रहा है सर, कि हाँ 1 mole वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए इतना मोल इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। अब चेक करो इसे, इतना मोल इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकते हो, 2F, अभी आगे बढ़ेंगे नहीं, 1 mole वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2F का चार्ज लग रहा है। सो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 moles ऑफ वाटर
2 मोल वाटर को अगर आप ऑक्सीडाइज करना चाहते हो, 1 मोल के लिए इतना चार्ज लग रहा है, तो 2 मोल के लिए कितना लगेगा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा भैया? 2 × 2f, दैट इज इक्वल टू 4f, और f का वैल्यू आप जानते हैं 96500 कूलम्बस। मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 1 मोल FeO को आपको Fe2O3 में बदलना है, ठीक है। आइए FeO को Fe2O3 में बदलना है, ठीक है। जरा चेक करते हैं सर FeO के ऊपर क्या चार्ज है, ठीक है। देखो यहां पर ऑक्सीजन पे होता है -2, तो इसके ऊपर हो गया सर +2 का चार्ज, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर सर इसके ऊपर क्या चार्ज है वो चेक करते हैं। आयरन के ऊपर जिसका चार्ज निकालना है उसको x मान लिया, ठीक है, क्योंकि आयरन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों एलिमेंट के बीच में प्लस लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना बेटा? -2, लेकिन ऑक्सीजन 3 है और पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है? 0 है ही नहीं, पूरे कंपाउंड पे क्या चार्ज है? 0। आगे देखो 2x और -6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6 इक्वल टू 0, ओ सॉरी, तो x आ गया प्लस का 3, मतलब यहां आयरन के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस का 3। Fe के ऊपर है, एक Fe के ऊपर, मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूं, एक के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस का 3, ठीक है। तो मतलब Fe जो है 2 प्लस से Fe 3 प्लस में बदल रहा है, पक्का। अब समझो चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है ना। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तभी तो एक और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। भाई पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, यहां से यहां जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज इसने लूज किया होगा। अब जब नेगेटिव चार्ज लूज करा तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो आप चेक कर सकते हो कि 1 मोल FeO को Fe2O3 में बदलने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, कितने? 1 मोल इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, चेक कर लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सो क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड कितना क्वांटिटी चार्ज लगा भैया? 1F, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना लिखते हो आप? 1F, और इसकी वैल्यू आप जानते हो 96500 कूलम्ब। लीजिए, तो ये हमारे पास एक 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे, ठीक है। इसमें से आपको किसी में भी डाउट लगे कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, या आपको कुछ बताना हो सर ये ऐसा हो सकता था कि नहीं, तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आते हैं, मैंने जैसे आपको बताया एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है। आइए भैया जी, देखिए जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक उतना ही ज़्यादा आपको माइंड में क्लियर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आलस करोगे, तो फिर हो गया काम, फिर तो आप बोर्ड एग्जाम में नहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूरी है और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कभी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं आपको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो उसका भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर टेन मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। लीजिए, ठीक है, बड़ा ही सीधा सा सवाल है, ये आपको आपकी किताबों में मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपके पास किताबें होंगी, जैसे CBSE की बुक्स, NCERT वगैरह, उसमें शायद ही आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है।
आइए, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया 10 मिनट के लिए। कितने देर के लिए? 10 मिनट के लिए, 10 मिनट्स। हम जानते हैं टाइम हमें ऑलवेज सेकंड्स में चाहिए होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से इंटू करा जाता है। आइए, हमने यहाँ पर करंट कितना लिया, विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हमने कॉपर सल्फेट का बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस किया, जब सोचो कॉपर टू प्लस क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ये कहाँ भागेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागता है, तो ये कहाँ भागेगा, टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, ये कहाँ भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा, और वहाँ पर जा करके दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा कॉपर मेटल, है ना। और आपसे क्वेश्चन भी यही कह रहा है, डिपॉजिटेड एट कैथोड, क्वेश्चन ने भी आपसे यही कहा कि कैथोड पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो मैंने भी आपको बता ही दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। आगे देखते हैं, चेक करो, दो मोल इलेक्ट्रॉन्स से एक मोल कॉपर चिपक रहा है, दो मोल इलेक्ट्रॉन्स जब मैंने पास किए तो कैथोड पर इतना कॉपर मेटल चिपका, देख रहे हो बताइए भैया, हो तो है ना। देखो चाहे ठीक है, टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, वन मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 × 9650 कूलम, भाई ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2F और F का वैल्यू होता है 9650 कूलम, तो बन गया 2 × 9650 कूलम। ठीक है, आगे देखिए, इतना चार्ज जब मैंने पास कराया तो एक मोल कॉपर डिपॉजिट हुआ कैथोड पर। सो इतना जब चार्ज पास कराया, चार्ज डिपॉजिट वन मोल ऑफ कॉपर एट कैथोड। मे बी हो सकता, क्वेश्चन में एक चीज आपको गिवन होगी, मोलर मास ऑफ कॉपर, ये दिया होगा 63.5 ग्राम पर मोल। ठीक, चल अच्छा सर, अब एक मोल कॉपर का मास कितना होता है, वन मोल कॉपर का मास कितना होता है, 63 ग्राम, ये इतना मास होता है 63 ग्राम। ठीक है, एक मोल कॉपर का मास कितना होता है, 63 ग्राम, ये 11th क्लास में मोल कंसेप्ट में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जब मैंने इतना चार्ज पास कराया तो इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, सो 2 × 9650 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड। ठीक है भैया, इतना कूलम चार्ज पास कराने के बाद इतना ग्राम कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट हुआ। अब जरा बात को समझो, ये तो मैंने निकाला कि इतना कूलम चार्ज पास कराया तो इतना ग्राम कॉपर जो है डिपॉजिट हुआ कैथोड पर, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है जब इतना करंट पास कराया इतने सेकंड के लिए, जरा एक काम करो यहां से चार्ज निकाल करके देखो, जरा चार्ज जब आप निकालोगे I × t, तो चार्ज आपका कितना आएगा, 1.5 × 600, ये शायद 900 आएगा आपके पास, 900 कूलम। 1.5 को जब आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 900 कूलम। अब जरा समझो बात को, इतना कूलम चार्ज पास कराने पर इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, हमसे कितने के लिए पूछा है, हमसे तो इतने कूलम के लिए पूछा है भैया, कि नहीं, हमसे तो इतने कूलम के लिए पूछा है। तो सर जब इतना कूलम चार्ज पास कराएंगे तो इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, सो 900 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा सिंपल सा आपको, मैं यूनिटरी मेथड लगाता हूं इसमें, आइए यूनिटरी मेथड। तो सर जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पास कराएंगे, जब सो 1 कूलम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट
कितना होगा चेक करो, इसको नीचे ले आओ, क्या बनेगा 63.5 अपॉन 2 × 96500 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड। ठीक है, एक कूलम चार्ज से इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। अपने को कितने के लिए निकालना है भाई, अपने को तो 900 कूलम के लिए निकालना है। सो 900 कूलम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 96500 × 900 ग्राम ऑफ कॉपर। पीछे अब केवल खेल है इसको सॉल्व करने का। भैया सीधी सीधी बात मैंने आपको बता दी कि हमने क्या चेक करा, जब इतना कूलम चार्ज पास कराया तो इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है ना। सो इतना कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट इतना ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड, तो मुझे कितने के लिए निकालना था, मुझे तो 900 कूलम के लिए निकालना था है ना। मुझे इतने के लिए थोड़ी चाहिए, मुझे तो 900 के लिए चाहिए। तो फिर मैंने यूनिटरी मेथड लगाया, एक कूलम के लिए इतना कॉपर डिपॉजिट होगा। जब आप इतना चार्ज पास करोगे, एक कूलम चार्ज पास करोगे, तो आपके पास इतना कॉपर डिपॉजिट होगा। देन हमें निकालना था 900 कूलम के लिए। सो जब मैंने 900 कूलम चार्ज पास किया तो इतना ग्राम कॉपर हमारे पास कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। तो अब खेल है इसको सॉल्व करने का, आइए सॉल्व भी करके देखते हैं। एक आंसर होगा इधर से, ठीक है, ये क्या बना 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 96500। भैया इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाइए, इसको लिख सकता हूँ 10^-1। क्या आएगा इसका, 10^-1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आना चाहिए करीब करीब 2.96 आपके पास करीब आंसर आना चाहिए × 10^-1। यहाँ पर आ भैया आप 12th क्लास में हैं तो इतना तो सॉल्व आप कर ही सकते हो है ना, इसको सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ा इश्यू तो है नहीं। ठीक, जब आप इसको यहाँ लेकर के आओगे, देखो 10^-1 है, तो जब 10^-1 हटाना हो ये बनेगा 0.296 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो सर जब हम 900 कूलम चार्ज पास कराएंगे तब हमारे कैथोड पर इतना ग्राम कॉपर जा करके डिपॉजिट हो जाएगा या फिर चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। ठीक, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे जब मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। आज के लेक्चर में मैंने केवल फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ाया है और उसके न्यूमेरिकल कराए हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अपन पढ़ेंगे फैराडेज का सेकंड लॉ, उसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अपन बढ़ेंगे चैप्टर में आगे। तब तक कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, कुछ पूछना हो या आपके पास कुछ न्यूमेरिकल हो कि सर मुझे ये नहीं यार, तो वो आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दें। धन्यवाद।